हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वयं सेवक प्रिय तम माम सोई मम अनुशासन मन जोई। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा वही सेवक है, मेरा वही प्रियतम है जो मेरे जीवन के अनुशासन को माने। भगवान के जीवन का अनुशासन क्या है? भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता सदगुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से चार चीज़ें बढ़ती हैं, चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। और भगवान के जीवन का अनुशासन क्या है? माता पिता के आदेशों को मानते हैं। तीसरा अनुशासन, भगवान भोजन जो करते हैं वो मिल बांट के करते हैं, सबके साथ में करते हैं, किसी को भूखा नहीं रखते। बंधु सखा संग भोजन करही, अपने बंधुओं के साथ सखाओं के साथ भोजन कर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कथाएं हैं केवल कहानी नहीं है, कथाएं कहानी नहीं है, ये कथाएं एक वृक्ष हैं, उसके फल को लेना चाहिए, उसे लाभ उठाने चाहिए। हमारे इस शरीर के हमारे जीवन का सखा कौन है? ये नाक कान आँख, ये जो शरीर है सबसे बड़ी सखा तो ये है। उसके बाद में स्थूल शरीर के बाद में लिंग शरीर आती, जो नच तत्वों की है वो हमारा मित्र है। फिर तीसरी शरीर आती है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि हैं। और फिर आती है कारण शरीर। ये चारों शरीरों को भोजन देना चाहिए। भगवान राम ने चारों शरीरों को भोजन दिया, स्थूल शरीर को स्थूल भोजन, और केवल स्थूल भोजन ही नहीं दिया जाए, उसको शुद्ध दिया जाए, जो उचित हो उचित भोजन दिया जाए, अनुचित भोजन नहीं, नहीं तो नुकसान भी करेगा। हम लोग शरीर स्थूल शरीर को दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि भोजन दे करके पुष्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लिंग शरीर जिसका भोजन रस है उसको नहीं दे पाते। साथ साथ में इसके बाद में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसका भोजन गंध है, हमारे शास्त्रों में हमारे वेद पुराणों में ऐसा वर्णन है। भगवान श्री राम यज्ञ करते थे और मौसम के अनुकूल यज्ञ, ऋतु के अनुकूल यज्ञ, जिसमें जड़ी बूटियां डाली जाती थीं, जिससे जो सुगंध निकलती थी उससे हमारी सूक्ष्म शरीर पुष्ट होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आज समाज में जो इतना कहते हैं कि हमारा मन बड़ा कमज़ोर हो गया है, इधर उधर भागता है, कहने में नहीं रहता, मैं निवेदन करना चाहता हूँ भगवान राम के जीवन का एक आदर्श केवल भोजन यानी सूक्ष्म शरीर को भोजन दिया जाए तो मन बुद्धि चित्त ये शुद्ध रहेगा। हफ्ते में चाहे हफ्ते में ही भोजन दिया जाए, उसको सुंदर सुगंधी का सुंदर जो ऋतु के अनुकूल जो हमारे हवन यज्ञ है उसको किया जाए तो निश्चित रूप से हमारी मन बुद्धि मजबूत रहेगी, तो समाज में कभी भी हमारा मन इधर उधर जाएगा नहीं। हमारा मन कमज़ोर हो गया है, विद्रोह कर उठता है, क्योंकि स्थूल को तो भोजन दे रहे हैं और लिंग शरीर को भी भोजन दे रस का, सूक्ष्म शरीर को भोजन नहीं दे रहे हैं जो कि गंध है, और कारण शरीर का भोजन है शब्द। हम सत्संग में नहीं जाते, अच्छी अच्छी बातों में नहीं जाते, उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी बुद्धि कमज़ोर हो गई है, मन कमज़ोर हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार कमज़ोर हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर, और जो कारण शरीर का भोजन शब्द है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आज समाज दिशाहीन हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज समाज को उचित भोजन करने की आवश्यकता है, स्थूल को स्थूल भोजन और लिंग शरीर को रस भोजन, सूक्ष्म शरीर को यज्ञादि शुभकर्म करके उचित यज्ञ आदि, ऐसे नहीं जो पाया वही डाल दिया, उचित यज्ञ करके गंधों का भोजन सूक्ष्म शरीर का और
कारण शरीर को शब्द का भोजन सत्संग का होना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, जास कृपा बिन सुलभ न सोई।